हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि हरियाणा में कभी भी कोई पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीती है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इतिहास में बीजेपी का ये अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बीजेपी इससे पहले कभी भी 50 के आंकड़े को छू नहीं सकी है। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक की एक वजह मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला भी माना जा रहा है। इसी साल मार्च में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। भाजपा ने अनुमानों के विपरीत बड़ा उलटफेर करते हुए रुझानों में बहुमत पा लिया है। हरियाणा चुनाव में वोटों की शुरुआती गिनती में बाजी मारने वाली कांग्रेस भाजपा के आगे निकलने के बाद चुनाव आयोग में गड़बड़ी का रोना रोने लगी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने हरियाणा विधानसभा के रुझानों में भाजपा के आगे निकलने के बाद आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की वेबसाइट धीमे धीमे अपडेट हो रही है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में आयोग से शिकायत भी किया है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि 10-11 राउंड की गिनती होने के बाद भी मात्र 4-5 राउंड की जानकारी वेबसाइट पर रखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के भीतर स्थानीय प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है। जयराम रमेश की इस शिकायत के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने करारा जवाब दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अगर जयराम रमेश ने ये कहना चालू कर दिया है और चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो यह मान लिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी हार मान ली है। मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करना चालू कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों में 12:40 पर भाजपा 49 जबकि कांग्रेस 35 सीटों पर आगे है। यदि यही रुझान बने रहे तो भाजपा की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन जाएगी और उसे स्पष्ट बहुमत होगा। यह उनकी हरियाणा में अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। गौरतलब है कि जहां कांग्रेस चुनाव में पिछड़ने पर चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाने लगी, तो वहीं सुबह तक जश्न मना रही थी। कांग्रेस प्रवक्ता का दावा था कि भाजपा राज्य में 20 सीटों के ऊपर नहीं लाएगी। एक कांग्रेस प्रवक्ता पीएम मोदी को जलेबी भेज रहे थे। रुझान बदलते ही वह चुनाव प्रक्रिया प्रश्न पर सवाल उठाने लगे। जहां हरियाणा में कांग्रेस जीत से दूर है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में जीत की ओर बढ़ रही है। दोनों पार्टियां मिलकर 90 में से 50 सीटों पर आगे है। उसको लेकर कांग्रेस ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जब भाजपा की सीटें कम हुई थी, तब कांग्रेस ने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। हरियाणा के चुनावी इतिहास में अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं लौटी है। अब बीजेपी ये रिकॉर्ड बनाने जा रही है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।